हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन गुरु। ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे डेल्टा MS 300 के बारे में, जिसमें हम डेल्टा MS 300 के ड्राइव को फैक्ट्री डिफॉल्ट करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने डेल्टा MS 300 5 HP की ड्राइव ली है। ये देखें, PFD 980MS 43 ANSAA। ये डेल्टा MS 300 की ड्राइव है। इसमें हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पैरामीटर हम डिस्प्ले होते हैं। इसके लिए हम मोड का बटन दबाएंगे और ये हमारी करंट फ्रीक्वेंसी है, ड्राइव अभी बंद है। ये DC वोल्टेज, ये एम्पियर है, ये डायरेक्शन कमांड है और PLC 0। पैरामीटर रीसेट करने के लिए हम सबसे पहले एंटर का बटन दबाएंगे। ये है पैरामीटर 00.20, इसको हम 00.02 पे लेकर चलेंगे डाउन के बटन से और यहाँ पर हम एंटर का बटन दबाएंगे। इंडिया के लिए जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है वो 9 पर है, इसको हम 9 सेलेक्ट करेंगे और एक बार फिर से हम एंटर का बटन दबाएंगे। ये हमारा सक्सेसफुली होकर के फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो गया है। टेस्टिंग के लिए हम रन बटन दबाएंगे। ये रन बटन दबाते ही ये ड्राइव रन हो गई है और स्टॉप से स्टॉप हो रही है। और फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करने के लिए अप डाउन का बटन दबा करके हम इसको चेक कर सकते हैं। अब हमारी ये ड्राइव फैक्ट्री रीसेट हो चुकी है। ये देखिए, रन दोबारा हो रहा है कीपैड से और स्टॉप हो रहा है। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस और ऑटोमेशन के बारे में और जानकारी सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।